इनके नाम में भी यश है और काम भी यश पाने वाला ही कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में दाएं हाथ का ये क्लासिकल बल्लेबाज तीन नंबर पर लगातार रनों का अंबार खड़ा करते जा रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी ओडीआई मुकाबले में शुरू हुआ अय्यर का पराक्रम श्रीलंका के खिलाफ तीनों ही T20 मुकाबलों में जारी रहा, जिसके बाद न केवल श्रेयस अय्यर ने टीम में अपनी जगह पर लगभग मोहर लगा दी है, बल्कि एक ऐसे रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है जो आज तक कभी भी किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने हासिल नहीं किया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कैसे अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ रचा इतिहास और अपने नाम कर लिया कभी ना टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को जब से टीम में खेलने का मौका मिला है, तब से लेकर अब तक वो लगातार रनों की झड़ी लगा रहे हैं। विराट के आराम करने के बाद से ही अय्यर को तीन नंबर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिस पर ये बल्लेबाज पूरी तरीके से खरा उतरा है। पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ अय्यर ने आखिरी ओडीआई में 80 रनों की शानदार पारी खेली और फिर जब बारी श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज की आई तो यहां भी अय्यर का बल्ला जम कर बोला। दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने पहले T20 में 50 जड़ा, फिर धर्मशाला में खेले गए दोनों मुकाबलों में मैच विनिंग पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाई, जहां दूसरे मैच में श्रेयस अय्यर ने 44 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए। वहीं आखिरी मुकाबले में भी तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अय्यर ने सीरीज में लगातार तीसरा अर्धशतक जड़ दिया। अय्यर ने सिर्फ 29 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और फिर 45 गेंदों में ताबड़तोड़ 73 रनों की नाबाद पारी खेलकर न केवल भारतीय टीम को तीसरे T20 मुकाबले में जीत दिलाई, बल्कि एक साथ कई रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। दोस्तों, श्रेयस अय्यर T20 फॉर्मेट में किसी भी टीम के खिलाफ तीनों ही मुकाबलों में अविजित रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। आपको बता दें, श्रीलंका की टीम तीनों ही मुकाबलों में अय्यर को आउट करने में नाकाम रही। इसके अलावा तीन मैच की T20 सीरीज में 200 से ऊपर रन बनाकर अय्यर किसी एक T20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैच में 199 रन बनाए थे। अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैच में 206 रन जड़ दिए और ऐसा करके वो सीरीज के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी बन गए। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, श्रेयस अय्यर विराट के बाद नंबर तीन पर खेलते हुए T20 फॉर्मेट में तीन बैक टू बैक 50s लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल के रिकॉर्ड को देखें तो नंबर तीन पर श्रेयस अय्यर ने 8 पारियों में 54 के औसत से 341 रन बनाए थे और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 143 का रहा है, जिसमें अय्यर के बल्ले से तीन अर्धशतकी पारी देखने को मिला है। वहीं उनके ओवरऑल T20 करियर की बात करें तो उन्होंने 32 पारियों में 34 की औसत से 810 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। अब जिस तरह से श्रेयस ने नंबर तीन पर आकर लगातार रन बनाए हैं, ऐसे में अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से अय्यर को बाहर रख पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में दोस्तों, जब विराट कोहली, ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम में वापसी करेंगे, तब किसकी जगह लेंगे श्रेयस अय्यर, ये बड़ा सवाल बन गया है। अब क्योंकि अय्यर ने नंबर तीन पर आकर लगातार 4 अर्धशतक ठोक दिए हैं, ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, किसकी जगह प्लेइंग 11 में शामिल होंगे श्रेयस अय्यर? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।